नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज TNN। प्रस्तुत हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। लगातार बढ़ रहा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, स्वर्ण भंडार में भी आई तेजी, जानिए इससे कैसे होगा फायदा। एक राहत की खबर आई है कि अगले हफ्ते से मिलने लगेगी कोरोना की दवा 2DG, मरीजों के लिए होगी रामबाण। अब नदी पर भी पहरा होगा, आज से SDRF और जल पुलिस करेगी गंगा की निगरानी, PAC भी लगेगी। अरब सागर से बढ़ रहा है तो काते, जिससे केरल में भारी बारिश की आशंका है, साथ ही गुजरात में तबाही भी संभव। WHO प्रमुख ने कहा कि भारत की COVID-19 स्थिति बहुत चिंताजनक है, महामारी का दूसरा साल होगा घातक। सफलता, मंगल पर उतरा चीन का पहला रोवर जुरोंग, 2014 से लाल ग्रह की जानकारियां भेज रहा भारत का मंगलयान। कोरोना की स्थिति पर आज PM मोदी की समीक्षा बैठक, टीकाकरण पर भी होगी चर्चा। कोरोना सेकेंड वेव, कोरोना के 3,26,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3,883 लोगों ने गवाई जान। युवाओं को टीके के पक्ष में नहीं थे विशेषज्ञ, अप्रैल में बने सिर्फ 7 करोड़ टीके, जबकि लगे हैं 9 करोड़। आसमान में बढ़ेगी ताकत, अगले हफ्ते 4 और राफेल विमान आएंगे भारत। भारतीय वायुसेना 101 स्क्वाड्रन को चालू करने में जुटी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.